नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पत्रकार का अपमान करने को लेकर के राहुल गांधी को अब पत्रकार सुधीर चौधरी ने आईना दिखा दिया है। इसी के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों को भी लेकर के सुधीर चौधरी ने बड़ी बात कह दी है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राहुल गांधी ने की थी अपनी संसद की सदस्यता रद्द होने को लेकर के, तो इस दौरान उन्होंने पत्रकार रवि सिसोदिया के द्वारा पूछे गए सवालों को दरकिनार करते हुए रवि सिसोदिया को लेकर के ही टिप्पणी कर दी और ये कह दिया कि आप तो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे लगता है कि आप बीजेपी की ओर से सवाल पूछ रहे हैं और आपको बीजेपी का एक सिंबल लगा लेना चाहिए, बैच लगा लेना चाहिए, जिससे कि मैं उसी के आधार पर आपको जवाब दे सकूं। जिसके बाद वहां पर मौजूद तमाम न्यूज चैनल्स के पत्रकार थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने वहां पर राहुल गांधी के इस टिप्पणी को लेकर के ऑब्जेक्शन नहीं किया, आवाज नहीं उठाई, बल्कि रवि सिसोदिया पर ही हंसते हुए लोग नजर आए। ऐसे में आपको बता दें कि पत्रकार सुधीर चौधरी ने अपने आज तक के शो ब्लैक एंड व्हाइट में इसका विश्लेषण किया और उन्होंने सीधे तौर पर यह सवाल उठाया कि राहुल गांधी द्वारा लगातार पत्रकारों का अपमान किया जाता है, लेकिन कुछ पत्रकार हैं जो कि इन्हीं अपमान पर हंसते हुए नजर आते हैं, ये कितना सही है। आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि सिसोदिया नाम के पत्रकार रहे जिन्होंने ये सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी, जो जजमेंट आया है उसे लेकर बीजेपी ने ये कहा है कि आपने ओबीसी का अपमान किया है, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रही है कि आपने ओबीसी का अपमान किया था, इस चीज को लेकर के आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे। आपको बता दें कि अभी पत्रकार का सवाल जो है पूरा नहीं हुआ, लेकिन अचानक से राहुल गांधी इसको लेकर के पत्रकार को पर भड़क जाते हैं और ये कहते हैं कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, एक बार इधर से अटेम्प्ट आया, एक बार इधर से आया, बार बार एक ही तरीके का सवाल आप लोग पूछ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी के द्वारा या बीजेपी के आधार पर सवाल पूछ रहे हैं, तो आप प्रेसमैन होने का ढोंग क्यों करते हैं, आप सीधे तौर पर बीजेपी का बैच लगा लीजिए जिसके आधार पर मैं आपको जवाब दूं। जिसके बाद वो ये कहते हैं कि क्यों हवा निकल गई। अब इस चीज को लेकर के तमाम जो लोग हैं वो लगातार राहुल गांधी को लेकर के आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने एक पत्रकार का अपमान किया है, लेकिन इसके बावजूद पत्रकारों के संरक्षण को लेकर के पत्रकार के फेवर में बोलने वाली तमाम ऐसी मीडिया संगठन है जो कि इस वक्त खामोश है, जिसमें से सबसे बड़ी मीडिया संगठन जो कि पत्रकारों के हक की बात करता है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ये भी खामोश है और इन्होंने कोई भी एक्शन राहुल गांधी को लेकर के नहीं लिया है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो मुंबई प्रेस क्लब ने एक नोटिस इशू किया था राहुल गांधी को लेकर के और ये कहा था कि राहुल गांधी ने जो पत्रकार की अपमान किया है इसकी वो बेहद निंदा करते हैं और राहुल गांधी को इसके लिए उस पत्रकार से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि जिस पत्रकार की हम यहां पर बात कर रहे हैं वो पत्रकार रवि सिसोदिया है जो कि न्यूज 18 का रिपोर्टर है। इसी के साथ ही अगर आपको बताएं तो वो पत्रकार लगातार कांग्रेस बीट पर ही वर्षों से काम करता आया है, इसके बावजूद राहुल गांधी ने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका अपमान किया और उसे बीजेपी का एजेंट करार दे दिया। इसी के साथ ही कई सारे वहां पर पत्रकार मौजूद थे और वो इस बात को लेकर के हंसते हुए नजर आए। वहीं सोशल मीडिया पर भी जब राहुल गांधी का ये वीडियो वायरल हुआ था तब जो कुछ पत्रकार लोग थे वो लगातार ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने इस पत्रकार का अपमान किया है बीजेपी का एजेंट बता करके, पत्रकार ना होकर के एक ढोंगी बता करके। तो वहीं कुछ ऐसे भी पत्रकार यहाँ पर मौजूद थे जो कि ये कह रहे थे कि गोदी मीडिया को आईना दिखाया गया है, उस चाटुकार पत्रकारों को आईना दिखाया है राहुल गांधी ने जो हमेशा बीजेपी का फेवर करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं। लेकिन हैरानी करने वाली बात ये है कि रवि सिसोदिया, जिस पत्रकार का अपमान किया गया है, वो बीजेपी की बीट पर नहीं बल्कि वर्षों से कांग्रेस की बीट पर काम करते हुए आया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही राहुल गांधी हैं जो कि बार बार ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है, लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया की आवाज को तक दबाया जा रहा है। लेकिन जब इन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस तरीके की तस्वीर सामने आती है, इन्हीं के नेता श्रीनिवास के द्वारा जब सुधीर चौधरी को लीगल नोटिस भेज दिया जाता है उनके शो को लेकर के, तब ये जो आवाज उठाई जाती है वो
कहां तक जायज है, कहां तक सच है, ये भी जनता जानना चाहती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस के जो नेता हैं श्रीनिवास, उन्होंने दरअसल सुधीर चौधरी को एक लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी थी और ये कहा था कि आपने जो अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में राहुल गांधी को लेकर के एक काल्पनिक कहानी सुनाई है उसको फौरन अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से डिलीट करें और इसी के साथ ही आप बकायदा एक माफीनामा वीडियो बना करके अपने शो के माध्यम से दिखाएं और साथ ही इसे अपने ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया से पोस्ट करें। लेकिन इसके बाद देखने को मिला कि सुधीर चौधरी ने ऐसा कुछ नहीं किया और बल्कि अगर इस कहानी की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर जो कहानी का सार है वो यही कहा था कि दूसरों के अपराध को गिनाने से, दूसरे की गलतियों को गिनाने से आप अपने अपराध को छिपा नहीं सकते। आपको बता दें कि इससे पहले ही सुधीर चौधरी ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट में जो कहानी सुनाई थी उससे पहले उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया था और ये कहा था कि ये काल्पनिक कहानी है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है और इसको किसी और से भी आप जोड़ करके ना देखें। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस नेता ने इसे राहुल गांधी से जोड़ करके देखा और सुधीर चौधरी को लीगल नोटिस की धमकी दे दी, जिसके बाद बकायदा श्रीनिवास ने एक लीगल नोटिस भी सुधीर चौधरी और आज तक न्यूज को इशू किया, जिसमें यह कहा गया है कि आपको राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए माफी मांगनी चाहिए और बकायदा इसे पोस्ट करना चाहिए और जो आपने कहानी बताई है, सुनाई है, जो एपिसोड चलाए हैं उसको भी आपको हटाना होगा। लेकिन सुधीर चौधरी ने इसका जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि मैं सच के लिए बोलता हूं, देश के लिए बोलता हूं और आखिरी दम तक सच का साथ देता हुआ नजर आऊंगा। तो ये है कांग्रेस पार्टी का चरित्र, जो कि कहीं ना कहीं दोहरापन चरित्र हमेशा से ही नजर आया है, जहां एक और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि मीडिया वालों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, उनकी आवाज को दबाई जाती है, तो वहीं दूसरी ओर जब कोई भी पत्रकार राहुल गांधी को लेकर के सवाल पूछता है, कांग्रेस पार्टी को लेकर के सवाल पूछता है, तो इनकी बौखलाहट सामने आ जाती है और पत्रकारों को इन्हीं की पार्टी के नेताओं के द्वारा धमकाया जाता है, लीगल जो नोटिस है वो इशू कर दिया जाता है। इसी के साथ ही सुधीर चौधरी ने अपने शो में यह भी कहा कि जब एक पत्रकार का अपमान किया जाता है और एक पत्रकार इस अपमान को लेकर के हंसता है तो ये हंसने का नहीं बल्कि चिंता का विषय है कि कैसे मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, कैसे पत्रकारों का जो संगठन है वो आपस में ही एकजुट नहीं है और दो गुटों में बटा हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से इन पार्टियों को और भी ज्यादा ताकत मिल जाती है और वो लगातार पत्रकारों को इसी तरीके से धमकाते हैं। फिलहाल जो लीगल नोटिस इशू किया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसका भी सुधीर चौधरी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और लगातार कांग्रेस पार्टी जो कभी कहती है लोकतंत्र खतरे में है, तो अगर कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखा जाए तो काला अध्याय जो है सन 1975 को माना जाता है, जब देश की प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी घोषित की थी, तभी लोकतंत्र की हत्या हो गई थी और तभी इस देश का काला अध्याय कहा गया था। लेकिन इसके बावजूद आज वही कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती है देश के अमृतकाल को कि ये अमृतकाल नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या का काल है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।